आज का क्वेश्चन है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, या फिर एलोंग भी बोल सकते हैं, बात एक ही है। इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, है ना। तो ये होता क्या है, ठीक है, हम लोग सोच लेते हैं अपने पास दो वेक्टर हैं, इसको बोल दिए वी वेक्टर, इसको बोल दिए ए वेक्टर, ओके, और इसका बीच का जो एंगल है इसको हम बोल दिए थीटा। तो अब ऐसे समझो कि यहाँ पे हम लोग टॉर्च लगा दिए, ठीक है, यहाँ से लाइट गिर रहा है, ठीक है, तो ए वेक्टर जो है इसका परछाई गिरेगा, इसका परछाई कुछ ऐसे गिरेगा, है ना, ये ऐसे गिरेगा, राइट। तो यही, ये जो इसका लेंथ है, यही इसका प्रोजेक्शन का मैग्नीट्यूड होगा, वैल्यू होगा, है ना। तो अब देखिए, सोचिए, हम बोलते हैं ये है ए, ये एंगल है थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, ए कॉस थीटा, और ये हो जाएगा अपना ए साइन थीटा, करेक्ट। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी का मैग्नीट्यूड जो वैल्यू होगा वो होगा ए कॉस थीटा, और डायरेक्शन किधर होगा, बी कैप का डायरेक्शन में, राइट, बी के तरफ, राइट। और अगर हम प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए करें तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें जो प्रोजेक्शन का वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा बी कॉस थीटा, राइट। डायरेक्शन क्या होगा, ए कैप का डायरेक्शन, करेक्ट। तो ये है एक्चुअल कंसेप्ट। अब इसका फॉर्मूला अपने को बनाना है, तो देखिए प्रॉब्लम है आपका कॉस थीटा, तो कॉस थीटा निकालना है। कॉस थीटा कैसे निकालना है, हम यहाँ पे एक छोटा सा करते हैं। देखिए, हम लोग जानते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ये हो जाता है अपना ए बी कॉस थीटा। तो यहाँ से अगर कॉस थीटा अपने को निकालना है तो ये हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए बी, करेक्ट, ये सब भी मॉड्यूलस में होगा, ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो ये अपना कॉस थीटा का फॉर्मूला बन गया। तो यहाँ पे ए कॉस थीटा क्या हो जाएगा, ए मॉड्यूलस में, ऑब्वियसली ये भी मॉड्यूलस में है, कॉस थीटा, कॉस थीटा मतलब ए डॉट बी अपॉन मॉड्यूलस ऑफ ए मॉड्यूलस ऑफ बी, और ये अगर डायरेक्शन बोला तो बी कैप, करेक्ट। तो देखिए ये कट जाएगा, अल्टीमेटली फॉर्मूला अपने को मिल गया ए डॉट बी बाय बी कैप, और अगर डायरेक्शन बोले तो बी कैप लगाना है, राइट। और सिमिलरली अगर प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए बोले तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखिए मॉड्यूलस बी कॉस थीटा, कॉस थीटा का तो फॉर्मूला यही बनेगा, है ना, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए बी और ए कैप का डायरेक्शन, और ये कट जाएगा, करेक्ट। तो यहाँ पे अपने को मिल गया ए डॉट बी बाई ए, ठीक है। और अगर चाहें आप तो डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं, ए कैप, ए कैप अगर निकालना है तो ए कैप कैसे निकाल सकते हैं, ए कैप हम लोग जानते हैं वेक्टर ए बाई मॉडुलस ऑफ ए, ठीक है। सिमिलरली अगर यहाँ पे बी कैप निकालना है, सोचिए ये हो गया अपना मॉडुलस का फॉर्मूला, मैग्नीट्यूड प्रोजेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन का, और बी कैप, बी कैप का क्या होगा, बी वेक्टर बाय मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर, करेक्ट। तो ऐसे आप निकाल सकते हैं, आइए एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको और क्लियर बन जाए। तो यहाँ पे एक पॉपुलर क्वेश्चन है अपने पास, क्वेश्चन में बोला है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर 2i + 3j + 3j + 2k ऑन वेक्टर i i - 2j + 3k, राइट। तो इसको हम लोग बोल दिए वेक्टर, इसको हम लोग सोच लेते हैं बी वेक्टर। तो यहाँ पे अपने को प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी निकालना है, राइट, फॉर्मूला तो अपने पास तैयार ही है। अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो क्या होगा, ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा मतलब ये अल्टीमेटली, है ना। तो फॉर्मूला अपने पास ए डॉट बी बाय ए डॉट बी बाय मॉड्यूलस ऑफ बी, करेक्ट। तो ए, व्हाट इज ए, 2i + 3j + 2k डॉट i - 2j + 3k
ओके, और मॉडुलस ऑफ बी कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, बी का मैग्नीट्यूड है ना, +3 का स्क्वायर। तो अल्टीमेटली ये अपने पास हो जाएगा 2 -6 प्लस 6, 3 2 6 है ना, मल्टीप्लाई आपको आता ही होगा, रूट ओवर इधर 1 प्लस 4 प्लस 9, राइट। तो ये कट गया, तो अल्टीमेटली अपने पास आ गया 2/√14, ठीक है। और अगर बोले जिसका डायरेक्शन के साथ, अगर मैग्नीट्यूड बोलते तो ये आंसर अपना, ठीक है। अगर बोलो डायरेक्शन के साथ बोलो, जिसका ए ऑन बी, इसका डायरेक्शन किधर होगा, बी के तरफ, मतलब बी कैप, राइट, सॉरी बी कैप में है ना। और बी कैप का वैल्यू क्या होगा, मॉडुलस, सॉरी बी वेक्टर बाय मॉडुलस ऑफ बी। तो बी वेक्टर मतलब ये वाला, मतलब आ गया इधर 2 -2j + 3k, और मॉड भी तो अपने पहले निकाल चुके हैं, कितना आया था, √14, राइट। तो यहाँ पर √14, तो अल्टीमेटली इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, और अल्टीमेटली आपका आंसर आ जाएगा कुछ 2j + 3k, इधर 2 √14, √14 मतलब 14, 2 से 14 करता मतलब नीचे 7, तो ये आ जाएगा विथ मैग्नीट्यूड, सॉरी मैग्नीट्यूड विथ डायरेक्शन, वेक्टर फॉर्म में, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में। और अगर ओनली मैग्नीट्यूड बोला तो ये करेक्ट है, ठीक है। आई होप क्वेश्चन में आया होगा, थैंक यू।